शहबाज शरीफ आखिरकार बलूचिस्तान पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन को वादों और दिलासों का लॉलीपॉप थमा दिया। बोले जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। बरसों से इक्तदार पर बराजमान जमात ने से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ ने डैमों पर तवज्जो ना देने को कौमी अलमिया करार दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की जहाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में दी जाए। मकानात का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने फिर वादों का लॉलीपॉप थमा दिया। शहबाज शरीफ आखिरकार बलूचिस्तान आ पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज अकेली और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ठंडे कमरे में मुतल्लिका हुकाम से खिताब किया। इस मौके पर मौजूद हुकूमती ओहदेदार आरामदेह कुर्सियों पर बराजमान थे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की जहाँ बहक अफराद के वर्सा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में दी जाए। उन्होंने जुज़्वी या मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। बरसों से इक्तदार पर बराजमान जमात से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ ने डैमों पर तवज्जो न देने को कौमी अलमिया करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।